से 1000 सीसी से बड़ी गाड़ियों में सीएनजी के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की है। तहम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इस पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पहली मरतबा पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले सीएनजी स्टेशन को 50,000 और दोबारा खिलाफ वर्जी करने पर 1,00,000 जुर्माना किया जाएगा। बड़ी गाड़ियों के मालिकान ने हुकूमत के इस फैसले को जालिमाना करार दिया है। अवाम को सफर नहीं कराना चाहिए क्योंकि गाड़ियों में ऑलरेडी महंगी महंगी सीएनजी किट्स लगी हुई हैं, तो इनको देने चाहिए। पूरे शहर में 1000 सीसी इनको तो 100 में से 10 गाड़ी भी नहीं मिलेगा, ये फैसला गलत है। गाड़ियों को बंद करने से कितनी गैस बचा लेंगे? 1500 सीसी जो गाड़ियाँ हैं उनके वजीर आजम नहीं है वो, ये क्या इंसाफ है? हुकूमत अपनी मिसमैनेजमेंट को, अपनी कमजोरियों को और इन दी एंड सारा कुछ जो है बोझ वो अवाम के ऊपर डाला जाता है। कुछ मालिकान ऐसे भी हैं जो हुकूमती फैसलों की सताइश कर रहे हैं। जो सरमायादार है वो जो 20 लाख की गाड़ी रख सकता है तो पेट्रोल भी यूज कर सकता है। हम तो गरीब लोग ऐसे कहना है, हमें तो सीएनजी के बगैर गुजारा ही नहीं है। किस तरह छोटी गाड़ियों के लिए सही है, जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको बकायदा करना चाहिए। सीएनजी भरेगी तो अवाम का फायदा होगा ना, क्योंकि हमें एक दिन और मिल जाएगा। बड़ी गाड़ियों में सीएनजी के इस्तेमाल पर पाबंदी की सिफारिश वजारत पेट्रोलियम ने की। दूसरी जानिब सीएनजी एसोसिएशन के चेयरमैन गयास पराचा ने फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया है।